नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ट्रिजनू वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ हम इसीलिए आए हैं क्योंकि 2019 को हम यहाँ जब आए थे तो जो स्कूल का जो कंडीशन था वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में था, तो जिसके चलते हमने जो कंसर्न एमएलए उनसे बात की थी तो उनकी तरफ से कहा गया था, कह सकते हैं उन्होंने एश्योरेंस दिया था हमें कि विद इन 2 to 3 years जो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड करेंगे। तो उसी के चलते आज हम यहाँ आए हैं ताकि हम देखें कि अपग्रेड हुआ कि नहीं। तो मैं बता देना चाहती हूँ, काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि आप जो मेरे पीछे अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ट्रिजनो है, और इसे सिर्फ अपग्रेड ही नहीं किया गया है, काफ़ी सुंदर तरीके से डबल स्टोरी बनाया गया है, और यहाँ पर ऑलरेडी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू है। यहाँ पे सुनने में आया कि यहाँ पे और ऑफिस वगैरह भी बनेंगे, और मैं बता देना चाहती हूँ कि इसको देखकर, ये जो ट्रिजनू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को देखकर हम ये कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरली अच्छा रह सकता है, मेंटेनेंस किया जा सकता है, अगर लोकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमएलए और जो स्कूल में हर एक गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रहता है, तो अगर वो ठीक तरीके से काम करे तो स्कूल इस तरीके का भी बन सकता है और चल सकता है। तो चलिए अभी हम सीधे यहाँ स्कूल में जाकर यहाँ के जो प्रिंसिपल उनसे मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे, क्योंकि पहले की बात करें तो 2019 की हालत वो काफ़ी ख़राब था ना, यहाँ पे प्रॉपर जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता था। तो अभी हम जाकर उनसे बात करेंगे और जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है एक सुंदर सा प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग मिलकर। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में, और सर क्योंकि आफ्टर 2019 अभी हम आ रहे हैं, हमने देखा काफ़ी अपग्रेड हुआ है स्कूल, और आप भी यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके तरफ से हमें स्कूल का टूर भी कराया जाए, और साथ ही साथ हम चलते चलते ही बात करेंगे आपसे, हम जानना चाहेंगे कि अभी क्योंकि पहले के कंपेयर में अगर बात करें तो ये जो स्कूल है काफ़ी अच्छा हो गया, तो एज अ प्रिंसिपल आपको कैसा लग रहा है? नहीं, इसको तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी, जो बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर भी है तो काफ़ी मजबूत से बनाया दिया है जी। और सर हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जब जैसे मैंने मेंशन किया कि 2019 को जब हम यहाँ आए थे तब हमने देखा था कि यहाँ के जो कंसर्न एमएलए उन्होंने भी विजिट किया था, उनकी तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि आने वाले 2024 के जो जनरल इलेक्शन उनसे पहले ये जो स्कूल है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो समहाउ अभी अब देखा जाए तो अभी कंप्लीट हो चुका है, क्लासेस भी चल रहा है, अभी हम जा ही रहे क्लास देखने, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं यहाँ ये स्कूल पर? हाँ जी, ये का टोटल स्टूडेंट्स 166 हैं, और टीचर है 13 है, जो लैब असिस्टेंट को गिन के उसको इंक्लूडिंग करके 13 है। और सर यहाँ पे किस तरीके से क्लासेस लिया जाता है, क्योंकि हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ टीचर्स भी है, सब्जेक्ट टीचर्स भी, इसके बारे में थोड़ा अगर आप हाईलाइट कर दें सर। हाँ मैडम, इसमें तो हम लोग जो शॉर्टेज है उसके लिए हम लोग प्रोविजनली दे देता है, किसी टीचर को एडजस्ट कर देता है, और जब सभी क्लास में ले लेता है तो हम भी कभी उसको एडजस्ट कर देता है, प्रोविजनली हम भी जाता है। और सर यहाँ पे जैसे अभी क्योंकि बिल्डिंग बन चुका है अभी, और साथ ही साथ देखने को मिल रहा है कि और अपकमिंग और बिल्डिंग्स बनने के लिए रेडी हो रहा है, फाउंडेशन खड़ा किया जा रहा है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल करें सर। हाँ, इसका डिटेल्स में तो जो अभी ये कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, जो शुरू हो गया है, इसका तो ये ऑफिस है और स्टाफ का भी है, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, ये सब का है अभी,
और सर जैसे अभी आपने बताया शॉर्टेज तो है प्रोविजनली, जो अगर टीचर्स नहीं, जो सब्जेक्ट टीचर्स नहीं होता है तो उन लोग आप लोग एडजस्ट करके चलाते हैं, तो आप स्पेसिफिकली बता पाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट टीचर्स यहाँ पे नहीं है और ज़रूरत है यहाँ पे? हाँ, यहाँ में तो सर का शॉर्टेज हिस्ट्री का PGT है और हिंदी का PGT और ज्योग्राफी का PGT और इंग्लिश TGT और साइंस का फिजिक्स और फेट। हाँ, तो इसे किस तरीके से आप एडजस्ट करते, आप लोग की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन या फिर कुछ रखा गया था मतलब हायर अथॉरिटी को कि यहाँ ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे आपने बताया ये सब का रिक्वायरमेंट है, तो क्या अपडेट आया और क्या कहा गया? हाँ मैडम, इसके लिए तो हम तो खुद डॉगबार्क ये बागडोर करता है, हम खुद उसमें DSC में भी जाके भी एप्लीकेशन भी 2-3 बार हम दे चुका है और हम लोग को ऑनरेबल MLA को भी हम लोग दिया है और SMC मेंबर्स लोग को भी तो हम देता है, कवर देता है और जहाँ करने से हम लोग इस तरह का मीटिंग में भी हम लोग उसका बारे में बता देता है कि शॉर्टेज क्या क्या है, क्या नहीं है, ये सब। तो उन लोगों की तरफ से कुछ अपडेट नहीं आया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था 2019 को, तब समय को भी यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर्स का शॉर्टेज था, टीचर्स का शॉर्टेज था, इसको लेकर कुछ अपडेट नहीं आया है? हाँ नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन वो लोग का कहना है कि ये DPC के बाद में आपको देगा। हाँ, और यहाँ पे हमने देखा कि अभी कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है, न्यू बिल्डिंग ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छी बात है, कुछ ना मतलब डिफरेंसेस आया है यहाँ पे। और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ होता है स्टूडेंट्स का, जैसे ड्रिंकिंग वाटर उसको लेकर, बुक्स को लेकर, यूनिफॉर्म्स को लेकर, यहाँ पे ठीक ठाक आप लोगों की तरफ से या फिर जो कंसर्न होते हैं उनकी तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है? हाँ जाता है, ड्रिंकिंग वाटर है, यूनिफॉर्म भी सप्लाई करता है और टेक्स्ट बुक भी आता है। और ज़्यादातर में क्या, ज़्यादातर स्कूलों में हमको सुनने को मिलता है कि जो स्कूल जो गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स का जो वॉशरूम्स को लेकर, टॉयलेट्स को लेकर भी इशू रहता है, तो कभी कभार एक ही टॉयलेट में ही सभी को यूज़ करना आता है, पानी नहीं आता है, तो उसकी वजह से काफ़ी गंदा भी रहता है, तो इसको लेकर भी यहाँ पे किस तरह? हाँ मैडम, इसमें तो है ऊपर वाला में तो गर्ल्स का दिया है और उसको तो हम लोग क्लास वाइज मैंने वीकली उसको टर्न दिया है, जैसे कि आज ये वीक में क्लासिक्स होगा तो नेक्स्ट वीक में फिर क्लास 7 होगा, फिर नेक्स्ट वीक में फिर तीसरा में 8 होगा, इस तरह से होता है। बॉयज़ का तो नीचे में है, लेकिन पानी का प्रोविजन जो है यहाँ में हम लोग कर दिए ऊपर में, फिल्टर फिल्टर लेके इसी में सब यूज़ करता है। एज ऑफ नाउ बोला जाए तो यहाँ पे सिर्फ शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स का ही है ना? जी, सब्जेक्ट टीचर का है। और अभी यहाँ पे जैसे आपने बताया कि 166 टोटल स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे कोई प्लेग्राउंड वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस रखा है हमें या फिर प्लान कर रहे हैं? नहीं मैडम, इसका तो हम जानकारी नहीं है प्लेग्राउंड का। हाँ, हम लोग तो जो भी यूज़ करते हैं वो जनरल ग्राउंड में यूज़ करते हैं। अभी सर हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि यहाँ पे हम क्लासरूम्स को गुजर गुजर के आ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे, तो क्लास 12 है ना, तो हम अगर आप इजाज़त दें और आप नहीं, आप भी चलिए साथ में, भी हम यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ऑलरेडी यहाँ क्लास चल ही रहा है। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जाए अंदर, आ सकते हैं अंदर, क्लास चल ही रहा है तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लास चल ही रहा है, आप लोग बैठ सकते हैं। ठीक है सर, अभी यहाँ पे कौन सा क्लास चल रहा है सर अभी बताए? इंग्लिश। तो और सर यहाँ पे क्योंकि अभी बच्चे जो है यहाँ सर की तरफ से कहा गया था कि 12 क्लास 12 में 16 स्टूडेंट्स है टोटल, तो अभी क्योंकि आप PGD इंग्लिश होंगे तो यहाँ पे किस तरीके से आप लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी सर कह रहे थे शॉर्टेज ऑफ टीचर्स भी है, आपको क्या दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाना पड़ता है शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स? अभी फिलहाल मैं तो इंग्लिश ही डील कर रहा हूँ, मैं 12 का 11 का क्लास 10 से मैं ले रहा हूँ। एक्चुअली अभी TGT अगर इंग्लिश होता तो मैं क्लास 10 का नहीं लेता, तो मैं अभी फिलहाल इंग्लिश आपका 10-12 को मैं ले रहा हूँ। हमें पता है कि सर टाइम बहुत प्रेशियस रहता है, लेकिन जस्ट 5 मिनट्स इनसे हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन को अगर बात करें बिल्डिंग का काफ़ी अच्छा हुआ है कम समय में, तो आप लोग से थोड़ा सा सवाल रखिएगा, आप लोग सब यहीं का ही है ना, यही का है ना त्रिजुनू का, तो अभी जैसे जो आप लोग का लोकल रिप्रेजेंटेटिव है ना कुमसी सिद्धेश सर, उनके तरफ से 2019 को हम भी आया था, तब ये स्कूल को हम देखा था, बहुत खराब हालत था ना, तो एज अ स्टूडेंट अभी आप लोग इतना अपग्रेड कर दिया, बिल्डिंग बना दिया ना, तो कैसा लग रहा है वो सिर्फ बताइए, कैसा लग रहा है?
अभी तो पहले से अभी कंपेरिजन किया जाएगा तो अभी तो ज़्यादातर मतलब स्कूल प्रॉपर्टी अभी अच्छा ही है और हमको जो चाहिए अभी वही मिल रहा है। अभी पहले तो डेंस भी मतलब डेंस बेच ये लोग भी तो मतलब अच्छा नहीं था, पर अभी मेंटेनेंस करके सब नया स्कूल बनाया है तो डेंस बेच भी अच्छा हो गया। और पहले तो ब्लैक बोर्ड का भी बहुत तकलीफ होता था, आप देख सकते हैं ये व्हाइट बोर्ड भी है और सब में एक्स्ट्रा ब्लैक बोर्ड भी है यहाँ पे। तो पहले का कंपेरिजन में अभी जो नया स्कूल है और जो अभी नया प्रोडक्ट आ रहा है हमको स्कूल में जो फैसिलिटी है पहले से अब बहुत बेहतर है। आप खुश है ना? हाँ खुशी है। आप समझाना चाहिए कि यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का प्रिंसिपल सर ने बोला है कि ज्योग्राफी का टीचर नहीं है, हिस्ट्री का टीचर नहीं है, तो कैसे करके सर लोग मैनेज करके पढ़ाते हैं और क्या कहना चाहिए? स्टडीज के लिए तो ठीक ही है, टीचर लोग सब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं वैसे, तो हमको टीचिंग अच्छा ही लगा। मैं तो सब कुछ अच्छा लगा। तो सब्जेक्ट टीचर्स चाहिए आपको या फिर जो लोग सर लोग जो मैनेज कर रहे हैं उसमें काम चला हो जाए? सब्जेक्ट टीचर तो चाहिए पर अभी फिलहाल के लिए अभी ठीक ही है अभी सब कुछ। यहाँ पे दो लड़कियां भी बैठे हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे जो जैसे अभी आपका फ्रेंड ने भी बताया ना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वगैरह वो ठीक हो गया ना, जो भी फैसिलिटी मिला, तो गर्ल्स को जो फैसिलिटीज जैसे सेपरेट टॉयलेट होना है, सैनिटरी नैपकिंस को लेकर ये सब, तो यहाँ पे प्रॉपरली मिलता है? अकॉर्डिंग टू मी हम तो 11 में आया था ना, तो पहले का तो इतना मालूम नहीं, बट जितना अभी हम देख रहे हैं ना, हम लोग का पर्सनली टॉयलेट अलग सा बन गया और बाथरूम हम लोग अभी लड़का लड़की अलग अलग ही यूज़ कर रहे, तो अकॉर्डिंग टू मी सब ठीक ही है। सब ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टाइम थोड़ा सा लेने के लिए, एंड कुछ भी होने से बताइएगा सर लोग को ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो अभी जैसे हमने बात की तो सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स कह सकते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल ट्रिजनू के, तो उनके तरफ से तो कहा गया, आई गेस सर आपके लिए भी अच्छी बात है कि उनके तरफ से भी अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जो भी फैसिलिटीज़ उन्हें मिलना चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन वही उनका भी वही है कि सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है। तो हमारा भी यही कहना है और मानना है कि सिर्फ जो स्कूल अथॉरिटी है या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्हें सिर्फ हम ब्लेम या फिर कुछ भी क्वेश्चन राइज करें वो नहीं बनता है। अगर हम बात करें लोकल रिप्रेजेंटेटिव का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं एज पर एश्योरेंस तो गया दो जो दिया गया था वो कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए देख रहा है और ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है कह सकते हैं। तो सर हम जाते जाते आपसे हम काइंड ऑफ लाइक मैसेज या फिर अपील चाहेंगे कंसर्न अथॉरिटी से या फिर यहाँ के लोगों से ताकि ये स्कूल और अच्छी तरीके से चले और आगे बढ़े। थैंक यू सर, मैसेज या अपील कुछ? हाँ, ये अभी तो जो हम लोग चाहिए वो तो टीचर का रिक्वायरमेंट है जी। बाकी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब है अभी तो धीरे धीरे आ रहा है और होते जा रहा है, ये ऑलमोस्ट ये तो सेटिस्फेक्टरी है, सिर्फ वो टीचिंग स्टाफ के लिए है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सर ट्रिजनू के। मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि आए दिन जो कंसर्न मिनिस्टर है गवर्नमेंट है उनके तरफ से तो कहा जाता है कि शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स एंड टीचर्स नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ जब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए ग्राउंड पे उतरते हैं इंटीरियर प्लेस में जाते हैं तो पता चलता है कि शॉर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है। और एक और सर जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से ईयर ऑफ एजुकेशन डेडिकेट किया जाता है, तो हमारा सवाल यही रहेगा कि सिर्फ सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में आप अनाउंस करके आपका कोई फ़ायदा नहीं, ग्राउंड रियलिटी में भी इम्प्लीमेंट ग्राउंड में भी इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट करते रहेंगे स्पेशली एजुकेशन सेक्टर को लेकर, तो हमारे साथ बने रहिएगा।